पटना में आयोजित एक स्वास्थ्य सेमिनार में मंत्री जी बोलते रहे, डॉक्टर साहब सोते रहे और ये मौका था सरकारी अस्पतालों को अमेरिका के स्तर पर तैयार करने का। लेकिन सोने से डॉक्टरों को फुर्सत मिलती तब तो कोई भाषण सुनते। आसमा सोए न सोए, जहाँ जागा रही। लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने वाले डॉक्टर जरूर सो गए। सात समंदर पार अमेरिका से डॉक्टरों की टीम ये बताने आई कि कैसे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी जा सकती है। लेकिन परवाह किसे है, मंत्री महोदय अश्विनी जी अपनी पीठ पर थपकियां देते रहे और डॉक्टर बाबू सोते रहे। ऐसी सोती हुई व्यवस्था में मंत्री जी का दम देखिए। सलाहकार समिति जब मुझे सलाह देगी और 10 एक हम पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे, उस पायलट प्रोजेक्ट में कुछ चीजों को हमारे अनुकूल और कुछ चीजें जो वहां चलती है उसको एक हम लागू करेंगे। और उसके लिए हमने आरसीजीपी को ग्रीन सिग्नल इस रूप में देंगे कि भाई हमारा ट्रेनिंग वहां भी हो, वहां से वो ट्रेनिंग करने के लिए आवे, यहाँ हमारे कुछ डॉक्टर वहां भी जाए। सपनों में खोए रहे डॉक्टरों के भरोसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा व्यवस्था कैसे बनेगी समझा जा सकता है। कई डॉक्टर तो खर्राटे मार रहे थे, अमेरिकी डॉक्टर मंच से स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का पाठ पढ़ा रहे थे। कुछ डॉक्टर इसे सुनते रहे, कुछ सोते रहे। सोच सकते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे सोने वाले डॉक्टरों के हाथ में है तो इलाज का हश्र क्या होगा। ये डॉक्टर इस बात से भी बेफिक्र रहे कि मंत्री जी के सामने है, विदेश से मेहमान आए हैं, उनके सामने इस हरकत का क्या असर पड़ेगा। लेकिन सोने वाले डॉक्टरों को इन सब चीजों से क्या मतलब। सालों से सोते रहने की आदत ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ रखा है, जिसकी एक वानगी पटना में फिर से दिखी। प्राथमिक चिकित्सा को विदेशों के तर्ज पर सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार में बड़ी संख्या में अमेरिका से आए चिकित्सकों ने जहां हिस्सा लिया, वहीं सेमिनार भैंस के आगे बीन बजाने जैसी साबित हुई। सेमिनार में आए बड़ी संख्या में चिकित्सक जहां खर्राटे लेते रहे, वहीं कुछ चिकित्सक मंत्री महोदय के चापलूसी में जुटे रहे। कैमरामैन धीरज के साथ रंजन कुमार मंगलम, सहारा समय, पटना।